दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल LCP केमिस्ट्री हब में। आज की इस वीडियो सेशन में एक नए अध्याय का अपन प्रारंभ करेंगे और अध्याय नंबर 15 बहुलक के बारे में आज अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो सेशन में बहुलक का परिचय और बहुलकों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुलकों को किस आधार पर कितने प्रकार से आप वर्गीकृत कर सकते हो और कौन से बहुलक का दैनिक जीवन में क्या-क्या अनुप्रयोग है, इसके संबंध में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुलक। दोस्तों चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, जो बहुलक शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द है, कितने भागों के मिलने से इसका निर्माण होता है और एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों जैसे कि आपको ज्ञात है अध्याय संख्या 15 है बहुलक। तो बहुलक को आप इंग्लिश में बोलते हो दोस्तों पॉलीमर। तो ये यहां पर जो मैंने शब्द लिखा है बहुलक, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हो, पॉलीमर बोलते हो। ये जो पॉलीमर शब्द है दोस्तों ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और ग्रीक भाषा के अंदर ये दो शब्दों के मेल से बनता है। पहला वाला शब्द होता है दोस्तों पॉली और सेकंड वाला शब्द होता है मर। पॉली प्लस मर से किसका निर्माण हुआ है? पॉलीमर। तो दोस्तों यहां पर अगर अपन बात करें कि जो पॉली शब्द है इसका मतलब होता है अनेक से। पॉली का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? अनेक। और मर से यहां पर दोस्तों मतलब होता है इकाई या भाग से। दोनों करेक्ट है। मर का मतलब इकाई होता है अथवा आप इसी को क्या बोल सकते हो, भाग बोल सकते हो। तो यहां पर पहली बात तो आपको ये समझ में आ जानी चाहिए कि ये जो पॉलीमर शब्द है एक्चुअल में कौन सी भाषा का शब्द है? दोस्तों ग्रीक भाषा का शब्द है। और कौन कौन से ग्रीक शब्दों के संयोग करने से पॉलीमर शब्द का निर्माण हुआ है? पॉली प्लस मर से, जहां पर पॉली का मतलब क्या होता है दोस्तों? अनेक से। और मर का मीनिंग क्या होता है? इकाई या भाग से होता है। अब दोस्तों यहां पर अपन ये देखेंगे कि बहुलक है उसको किस प्रकार से आपको परिभाषित करना है, बहुलक के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं और जिसके द्वारा बहुलक का निर्माण होता है उन अणुओं को क्या कहते हैं। तो दोस्तों एक सिंपल सा उदाहरण के द्वारा मैं आपको अंडरस्टैंड करवाता हूं। जिस भी यौगिक से बहुलक का निर्माण होता है दोस्तों उसको बोलते हो आप एकलक इकाइयां। कौन सी इकाइयां कहलाती है? वो एकलक इकाइयां कहलाती है। और एकलक इकाइयों के आपस में संयोग करने से किसका निर्माण होता है दोस्तों? बहुलक का निर्माण होता है। तो पॉलीमर का निर्माण किससे होता है? हमेशा मोनोमर यूनिट से होता है, एकलक इकाई से होता है। और दोस्तों वह प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप एकलक इकाइयां आपस में संयोजित होकर बहुलक का निर्माण करती है, इस प्रक्रिया को दोस्तों कहते हो आप बहुलीकरण। इसी प्रक्रिया को आप क्या कहते हो? बहुलीकरण कहते हो या बहुलन कहते हो। तो यहां पर तीन परिभाषाएं बोल दी मैंने। बहुलक होते हैं इनका जो आणविक जो भार होता है वो क्या होता है? उच्च होता है। तो इसको भी अपन मेंशन करेंगे। जो भी आपके पास बहुलक होगा दोस्तों उस बहुलक का जो आणविक भार क्या होता है? उच्च होता है। तो यहां पर मैंने मेंशन कर दिया कि जो भी बहुलक का उदाहरण होगा उसका जो आणविक भार एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों? उच्च आणविक भार होता है। दूसरी बात, यहां पर इनका आणविक भार उच्च तो है लेकिन उसकी रेंज क्या होगी, कितना आणविक भार होता है? तो ये एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है 10^(√32)·10^7µ। मतलब यहां पर दोस्तों ये इतना इसका आणविक भार होता है 10^3 से लेकर 10^7 म्यू का मतलब होता है यहां पर एटोमिक मास यूनिट। मतलब दोस्तों ये भार को मापने की एक प्रकार से इकाई होती है। तो यहां पर आपको मैंने तीन परिभाषाएं बता दी है। पहली बात, बहुलक का निर्माण किससे होता है? एकलक इकाइयों से। तो वह सरल यौगिक जिसके द्वारा बहुलक का निर्माण होता है क्या कहलाएंगी? एकलक इकाइयां कहलाएंगी। और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एकलक इकाइयां आपस में संयोजित होकर बहुलक का निर्माण करती है वो प्रक्रिया कौन सी कहलाती है? वो प्रक्रिया होती है दोस्तों बहुलीकरण या फिर बहुलन प्रक्रिया होती है। तीसरी बात, बहुलक है इनका आणविक भार क्या होता है? हमेशा उच्च होता है। कितना आणविक भार होगा? तो इसकी वैल्यू आप याद कर सकते हो 10^3 से लेकर 10^7। और पॉलीमर जो शब्द है वो कितने ग्रीक भाषा के शब्दों के संयोग से बना है? दो ग्रीक भाषा के शब्द है। पहला है पॉली, सेकंड वाला है मर। पॉली का मतलब होता है अनेक से और मर का मतलब होता है इकाई या भाग से। अब दोस्तों आइए इसको डिटेल के अंदर स्टडी करते हैं पॉलीमर को। ये देखिए दोस्तों सबसे पहली जो परिभाषा आ रही है आपके पास वो है दोस्तों बहुलक की परिभाषा है। तो किस प्रकार से आप बहुलक को परिभाषित कर सकते हो बिल्कुल आसान भाषा के अंदर मेंशन कर रखा है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले बहुलक की परिभाषा।
बहुलक क्या होती है? तो बहुलक अत्यंत उच्च अणुभार वाले यौगिक होती है, मतलब बहुलक यौगिक होती है लेकिन इनका अणुभार क्या होता है? अत्यंत उच्च अणुभार होता है, मतलब इनका आणविक भार अधिक होता है, जो अत्यधिक संख्या में सरल अणुओं के संयोग से बनते हैं। और दोस्तों बहुलक का निर्माण किससे होगा? बहुत ही ज्यादा संख्या में, अधिक संख्या में सरल अणु आपस में क्या करेंगे? संयोग करेंगे और किसका निर्माण कर देंगे? बहुलक का निर्माण कर देंगे। तो पहली परिभाषा क्लियर हो जानी चाहिए, बहुलक क्या होते हैं? बहुलक अत्यंत उच्च अणुभार वाले यौगिक होते हैं, जो अत्यधिक संख्या में सरल अणुओं के संयोग से बनते हैं। और दोस्तों यहां पर मेरा सरल अणुओं से मतलब क्या होगा? एकलक इकाइयों से मतलब होगा। दूसरी परिभाषा देखिए दोस्तों, जिसके अंदर किसको परिभाषित किया है? एकलक इकाइयों को परिभाषित किया है, मतलब जिसके द्वारा बहुलक का निर्माण होता है, जिन यौगिकों से बहुलक का निर्माण होता है उनको क्या बोलते हो आप? एकलक बोलते हो। तो यहां पर परिभाषा किसकी? ये एकलक की परिभाषा है। तो एकलक की परिभाषा क्या हो जाएगी? ये पहली बात तो सरल अणु होते, वे सरल अणु जो संयुक्त होकर बहुलक का निर्माण करते एकलक कहलाते हैं। मतलब हमेशा ध्यान रखिए, बहुलक का निर्माण किससे होता है? एकलक से होता है। तो वे सरल अणु जो आपस में संयुक्त होकर बहुलक का निर्माण करते वही क्या कहलाते हैं दोस्तों? एकलक कहलाते हैं। और दोस्तों वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एकलक बहुलक में परिवर्तित हो जाते हैं कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? बहुलीकरण प्रक्रिया अथवा बहुलन कहलाता है। तो तीसरी परिभाषा देखिए, तीसरी परिभाषा एक्चुअली में दोस्तों किसको प्रदर्शित कर रही है? बहुलीकरण को परिभाषित कर रही है। तो तीसरी परिभाषा क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सरल अणु, सरल अणु का मतलब मेरा किससे? एकलक इकाइयों से मतलब है। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सरल अणु अथवा एकलक बहुलकों में परिवर्तित किए जाते हैं ये प्रक्रिया कौन सी कहलाती है दोस्तों? बहुलीकरण प्रक्रिया कहलाती है। और उदाहरण की बात करें तो दोस्तों यहां पर एक उदाहरण दिया है, पॉलीएथिलीन या पॉलीथीन। ये जो एक्चुअल में पॉलीथीन है दोस्तों, ये भी किसका उदाहरण होता है? बहुलक का उदाहरण होता है। तो यहां पर उदाहरण कौन सा हो गया? बहुलक का पॉलीथीन उदाहरण हो गया। अब दोस्तों यहां पर एक नोट मेंशन करके मैंने मेंशन कर रखा है, क्योंकि काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, नीट हो गया, जेईई एग्जाम हो गया, तो इस टाइप के एग्जाम में इस टाइप के करेक्ट और फॉल्स, मतलब सत्य और असत्य कथन वाले सवाल आते हैं। तो आपको ये पता रखना है कि आपने स्टार्टिंग में जो परिभाषा बोली थी कि बहुलक कौन से यौगिक होते हैं, बहुलक अत्यंत उच्च अणुभार वाले क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। और दूसरी शर्त ये पता रखनी है कि बहुलक का निर्माण किससे होता है? सरल अणुओं से होता है। और उन सरल अणुओं को आपने क्या बोला था? एकलक इकाई बोला था। तो यहां पर अब ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी ऐसा यौगिक आ गया जिसका आणविक भार बहुत ही ज्यादा हो, अत्यधिक उच्च हो, तो आप उसको बहुलक नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुलक होने के लिए दो शर्तों का पालन करना चाहिए दोस्तों। पहली शर्त तो क्या होना चाहिए? उस यौगिक का आणविक भार क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है? बहुलक का निर्माण किससे होना चाहिए? सरल अणुओं के संयोग करने से होना चाहिए, मतलब एकलक से होना चाहिए। तो यहां पर ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नोट के अंदर क्या मेंशन किया है? समस्त बहुलक वरहद अणु होते हैं, मतलब जितने भी बहुलक है उनका आणविक भार उच्च होगा। तो जितने भी बहुलक है उनका सभी का आणविक भार क्या होता है? उच्च आणविक भार होता है। तो जितने भी बहुलक है वो कैसे अणु होते हैं? वरहद अणु होते हैं, मतलब मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। किंतु समस्त वरद अणु बहुलक नहीं होते, इंपोर्टेंट कथन है दोस्तों ये। जितने भी वरद अणु है वो जरूरी नहीं है वो किसका उदाहरण हो? बहुलक का उदाहरण हो। क्योंकि बहुलकों में एकलकों की, ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि बहुलकों में एकलकों की पुनरावृत्ति होती है, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी बहुलक का निर्माण होगा तो जो एकलक है, जो सरल अणु है, उसकी बार बार पुनरावृत्ति होगी, जिसको बहुलीकरण प्रक्रिया बोलती हो। और इसी के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? बहुलक का निर्माण होता है। क्योंकि बहुलकों में एकलकों की पुनरावृत्ति होती है, जैसे एक उदाहरण दिया, क्लोरोफिल एक वृद्ध अणु है किंतु बहुलक का उदाहरण नहीं है। तो ऐसा कभी भी आवश्यक नहीं है कि जितने भी वरद अणु है वो एक्चुअल में किसका उदाहरण हो जाए? बहुलक का उदाहरण हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन एक बात बिल्कुल संभव है, वो वाली कौन सी बात है? कि जितने भी बहुलक होंगे वो एक्चुअल में किसके उदाहरण होते हैं? वो सभी बहुलक वरद अणु, मतलब मैक्रो मॉलिक्यूल्स का उदाहरण होंगे। लेकिन सभी जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, वरद अणु है, वो बहुलक के उदाहरण नहीं होते। और एक इसका उदाहरण कौन सा मेंशन कर दिया? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल एक वरद अणु तो है लेकिन ये बहुलक नहीं है, क्योंकि क्लोरोफिल का जो निर्माण है वो सरल अणुओं की बार बार पुनरावृत्ति से नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये काफी इंपोर्टेंट नोट बनता था जिसको मैंने मेंशन कर दिया। अब एक उदाहरण से समझते हैं दोस्तों।
अभी आपको पॉलीथीन का एक उदाहरण बताया था। पॉलीथीन एक्चुअल में किसका उदाहरण होता है दोस्तों? पॉलीथीन बहुलक का उदाहरण होता है। तो यहाँ पर देखोगे आप, अगर एकलक इकाई की बात करें कि पॉलीथीन इसमें एकलक इकाई क्या है, तो नाम से स्पष्ट हो रहा है दोस्तों, पॉली पॉली का मतलब भी क्या होता है? बहुलक होता है। एथीन, पॉली प्लस एथीन, मतलब यहाँ पर एकलक इकाई है दोस्तों, वो कौन सी है? एथीन। और एथीन का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों? CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब असंतृप्त कार्बनिक यौगिक होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। और यहां पर दोस्तों अगर मैं आपको इसकी डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूं, तो यहां पर सबसे पहले क्या होगा, ऐसे कोई भी यौगिक जिनके अंदर द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होते हैं, अगर वो बहुलीकरण में भाग लेते हैं, तो यहां पर एक बहुलीकरण की प्रक्रिया होगी जिसको आगे चलकर अपन पढ़ेंगे, जिसको बोलेंगे योगात्मक बहुलीकरण अभिक्रिया। संश्लेषण के आधार पर अपन दो भागों में विभाजित करेंगे, एक होगा योगात्मक बहुलक और दूसरा होगा संघनन बहुलक। तो दोस्तों जिसमें भी द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होते हैं, अगर उनसे आपको बहुलक का निर्माण करना हो, तो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा निर्माण होता है? योगात्मक बहुलीकरण प्रक्रिया के द्वारा बहुलक का निर्माण होता है। और दोस्तों यहाँ पर इसके एन अणु आपने ले रखे, तो दोस्तों आपने भी क्या मेंशन कर दिया, यहाँ पर स्टार्टिंग में एन मेंशन कर दिया दोस्तों। यही पुनरावर्त इकाई है जिसकी बार बार क्या होगी? पुनरावर्ति होगी। और इसी के फलस्वरूप दोस्तों किसका निर्माण हो जाएगा? पॉलीथीन का निर्माण हो जाएगा। तो ये दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या बोलते हो दोस्तों? एथीन बोलते हो। तो यहाँ पर एथीन क्या होती है? एकलक इकाई होती है पॉलीथीन की। और दोस्तों बहुलक कैसे बनेगा, ये लीजिए, बहुत सारी इस प्रकार की जो एथीन वाली इकाइयां है आपस में संयोजित होगी, और संयोजित होकर किसका निर्माण कर देगी? पॉलीथीन का निर्माण कर देगी। ये लीजिए दोस्तों किसका निर्माण हो गया है? पॉलीथीन का निर्माण हो गया है। तो ये मैंने आपको बिल्कुल सरल शब्दों में अंडरस्टैंड करवा दिया, पॉलीथीन बहुलक का उदाहरण है। पॉलीथीन की एकलक इकाई क्या होती है? एथीन होती है। और ये जो इकाई है दोस्तों एथीन की, इसकी बार बार पुनरावर्ती होगी, तो इसको मैंने कौन सी इकाई बोल दिया? पुनरावर्त इकाई बोल दिया। और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण हो जाएगा? पॉलीथीन का निर्माण हो जाएगा। मतलब बहुत सारी इस प्रकार की जो एकलक इकाइयां आपस में संयोजित हो जाएगी। ये एक उदाहरण मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाया है पॉलीथीन का। दूसरी एक और बात आपको दोस्तों इंपोर्टेंट पता रखनी है, इसको मैं अलग कलर से मेंशन करता हूं, क्योंकि यहां से भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या बनता है? बहुलक के अंदर क्या उपस्थित होगा? एकलक इकाई उपस्थित होगी। और आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि जितनी भी आपके पास एकलक इकाइयां है, ये आपस में कौन से बंध के द्वारा आबंधित तो होती है? तो दोस्तों यहां पर आपको पता रखना है कि एकलक इकाइयां आपस में सहसंयोजक आबंध से आबंधित रहती है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो ये आपको पता रखना है कि एकलक इकाइयां बहुलक में कौन से आबंध के द्वारा आबंधित रहती है? सहसंयोजक बंध के द्वारा आबंधित रहती है। तो ये इंपोर्टेंट कहते हैं ना दोस्तों, बहुलक में एकलक इकाइयां आपस में कौन से बंध के द्वारा आबंधित रहती है? तो आइए आपको पता रखना है, सहसंयोजक आबंध के द्वारा आबंधित रहती है। तो ये दोस्तों हो गया साधारण परिचय हो गया बहुलक का। आइए हम नेक्स्ट वाले टॉपिक की ओर मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला टॉपिक अपने पास बहुलकों का वर्गीकरण। और दोस्तों बहुलकों को अपन पांच आधार पर अलग अलग भागों में क्या करेंगे? वर्गीकृत करेंगे। और उन पांच भागों में से दोस्तों जो भाग नंबर एक है, मतलब जो पहला अपन यहाँ पर दोस्तों आधार देखेंगे कि किस आधार पर आप बहुलकों को क्या कर रही हो? वर्गीकृत कर रही हो। तो दोस्तों सबसे पहला आधार अपन किसके आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण देखेंगे? तो दोस्तों यहां पर बहुलकों का वर्गीकरण किसके आधार पर है? उपलब्धता के स्रोत के आधार पर। काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि आपको ये पता रखना है कि किसके आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर दोस्तों अपन डील कर रही है बहुलकों का वर्गीकरण, और वर्गीकरण दोस्तों किसके आधार पर देख रही है अपन? यहां पर वर्गीकरण देखेंगे उपलब्धता के स्रोत के आधार पर, मतलब किस प्रकार के स्रोत से बहुलक की प्राप्ति हो रही है, उसी आधार पर आपने क्या कर दिया? बहुलकों को वर्गीकृत कर दिया। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, स्रोत के आधार पर बहुलकों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब कितने भागों में दोस्तों बहुलकों को आप बांट सकते हो? तीन भागों में बांट सकते हो। किसके आधार पर? स्रोत के आधार पर। तो पहला भाग कौन सा बन जाएगा दोस्तों? पहला बन जाएगा प्राकृतिक बहुलक। भाग नंबर दो कौन सा बन जाएगा? संश्लेषित बहुलक। और तीसरा वाला भाग कौन सा बन जाएगा दोस्तों? अर्ध संश्लेषित बहुलक। तो स्रोत के आधार पर बहुलकों को तीन भागों में वर्गीकृत करोगे, प्राकृतिक बहुलक,
संश्लेषित बहुलक और अर्धसंश्लेषित बहुलक। दोस्तों नाम से स्पष्ट हो रहा है प्राकृतिक बहुलक, तो इस प्रकार के बहुलक कहां पर पाए जाएंगे? प्रकृति में पाए जाएंगे। और प्रकृति में दोस्तों दो ही प्रकार के जीव हो सकते हैं, या तो पादप हो सकता है या क्या हो सकता है, जंतु हो सकता है। तो इस प्रकार के बहुलकों की प्राप्ति कहां से होगी? प्रकृति से। और प्रकृति का मतलब क्या हो जाएगा? पादप तो वनस्पति से प्राप्त होगा, अदरवाइज जंतु से प्राप्त होगा, तो ये तो कहलाएंगे प्राकृतिक बहुलक। दूसरा वाला बहुलक कौन सा है? संश्लेषित बहुलक। नाम से स्पष्ट है दोस्तों ये प्रकृति के अंदर नहीं पाए जाते, मतलब प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं होते, तो इनका निर्माण कहां पर किया जाता है? तो मनुष्य के द्वारा इनका निर्माण प्रयोगशाला में किया जाता है। तो ऐसे बहुलक जिनका निर्माण मनुष्य द्वारा या कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में जिनको निर्मित किया जाता है, संश्लेषित बहुलक कहलाते। तीसरा वाला कौन सा दोस्तों? अर्ध संश्लेषित बहुलक, मतलब यहां पर ये पूर्ण रूप से संश्लेषित नहीं है, तो ये आधा तो प्राकृतिक होता है, आधा क्या होता है? संश्लेषित होता है। मतलब यहां पर जो प्राकृतिक बहुलक होते हैं उनमें कुछ आप रासायनिक रूपांतरण करोगे, केमिकल मॉडिफिकेशन करोगे, और इसके द्वारा जिस बहुलक का निर्माण होगा आप उसको कौन सा भाग में रख दोगे? अर्ध संश्लेषित बहुलक में। आइए दोस्तों डिटेल में देखते हैं। स्रोत के आधार पर बहुलकों को तीन भाग में आपने विभाजित कर दिया, जिसमें से पहला भाग कौन सा? प्राकृतिक बहुलक का है। तो दोस्तों देखिए प्राकृतिक बहुलक को कैसे परिभाषित करोगे? प्रकृति, मैंने पहले ही बोला था कि प्राकृतिक बहुलक का मतलब ये किससे प्राप्त होंगे? प्रकृति से प्राप्त होंगे। प्रकृति और प्रकृति का मतलब क्या हो गया? या तो वनस्पति से या जंतु से। प्रकृति से प्राप्त बहुलक प्राकृतिक बहुलक कहलाते। बिल्कुल सिंपल शब्दों में दोस्तों आपने इसको परिभाषित कर दिया कि प्रकृति से प्राप्त होने वाले बहुलक ही कौन से बहुलक कहलाते? प्राकृतिक बहुलक कहलाते। बात नंबर दो क्या है दोस्तों? ये जो बहुलक होते हैं वो जीवन के लिए क्या होते? अत्यंत आवश्यक होते। मतलब मनुष्य जीवन के लिए ये वाले बहुलक है वो क्या होते? अत्यंत आवश्यक होते। इनके उदाहरण की बात करें तो दोस्तों दो से तीन उदाहरण आपको यहां पर ध्यान रखना है, जो एक्चुअल में किसका उदाहरण हो गया? आपके प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण हो गया। जैसे यहां पर पहला उदाहरण हो गया दोस्तों प्रोटीन। कौन कौन से उदाहरण मेंशन कर सकते हो दोस्तों? एक उदाहरण तो हो जाएगा इसका प्रोटीन, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है प्रोटीन। दूसरा वाला उदाहरण हो गया सेलुलोज, ये उदाहरण भी आपको पता रखना है दोस्तों। दूसरा वाला उदाहरण कौन सा हो गया आपके पास? सेलुलोज हो गया। इसी प्रकार से और एक दो उदाहरण आप मेंशन कर सकते हो, स्टार्च। थर्ड वाला उदाहरण कौन सा हो जाएगा? स्टार्च, ये भी प्राकृतिक बहुलक है, प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है। एक हो जाएगा दोस्तों आपका रबर, तो रबर भी किसका उदाहरण होता है दोस्तों? रबर भी किसका उदाहरण होता है? प्राकृतिक बहुलक का। और दोस्तों कुछ रेजिन भी इसके उदाहरण है, अब आगे देखेंगे रेजिन क्या होता है, कुछ रेजिन। तो ये आपको पता रखना है कि प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण कौन कौन से है। तो दोस्तों प्राकृतिक बहुलक की बात करोगे सबसे पहला तो आपको ये पता रखना है कि ऐसे बहुलक जिनकी प्राप्ति स्रोत के आधार पर, जो दूसरा बहुलक है दोस्तों वो कौन सा है? संश्लेषित बहुलक है, इंग्लिश में बोलते हैं जिसको सिंथेटिक पॉलीमर। अब संश्लेषित नाम से स्पष्ट है कि इनका निर्माण कहां पर किया जाएगा? प्रयोगशाला में किया जाएगा। तो संश्लेषित बहुलक को कैसे परिभाषित करोगे? वे बहुलक जिन्हें प्रयोगशाला में बनाया जाता है या जिनका निर्माण प्रयोगशाला में किया जाता है, संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। और दोस्तों ये मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है, तो इसीलिए आप इनको कृत्रिम बहुलक भी कह सकते हो। इसके अलावा क्या कह सकते हो? इन्हें मानव निर्मित बहुलक भी कहते हैं। मानव निर्मित का मतलब होता है कृत्रिम बहुलक। तो संश्लेषित बहुलक को कौन सा बहुलक बोलते हो? कृत्रिम बहुलक भी बोलते हो। और इन बहुलकों का निर्माण कहां पर किया जाता है? प्रयोगशाला में किया जाता है। दो तीन उदाहरण जरूर ध्यान रखने हैं दोस्तों, ये जितने भी उदाहरण आ रहे हैं इनको अभी अपन आगे चलकर देखेंगे, इनकी एकलक इकाइयां क्या है, कौन से संश्लेषण के द्वारा इनका निर्माण होता है, और दैनिक जीवन में इन बहुलकों का क्या क्या उपयोग है। तो संश्लेषित बहुलक की बात करें तो दोस्तों इसके कुछ उदाहरण, जैसे पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन इसका उदाहरण होता है संश्लेषित बहुलक का। दूसरा उदाहरण है पीवीसी, पीवीसी की फुल फॉर्म है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पीवीसी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तीसरा बहुलक हो गया संश्लेषित का नाइलोन, चौथा हो गया टेफ्लॉन, उसके बाद में बेकेलाइट, टेरिलीन और संश्लेषित रबर, ये सभी किसके उदाहरण है दोस्तों? संश्लेषित बहुलक के उदाहरण है। स्रोत के आधार पर जो तीसरा बहुलक है दोस्तों, जिसको कौन सा बोला था आपने? अर्ध संश्लेषित बहुलक बोला था। तो कैसे परिभाषित करोगे? अर्ध संश्लेषित बहुलक अधिकांशतः रासायनिक रूपांतरणों द्वारा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बहुलकों से व्युत्पित किए जाते। मतलब दोस्तों ये आधे तो कैसे होते हैं? प्राकृतिक बहुलक होते हैं, और आधे कैसे होते हैं? संश्लेषित बहुलक होते हैं। इसका मतलब क्या है?
जो भी प्राकृतिक बहुलक है उनमें आप रासायनिक रूपांतरण करके उसका मॉडिफिकेशन करोगे और फिर उसको उपयोग में लाने योग्य बनाओगे। तो कैसे परिभाषित करोगे ये बहुलक, मतलब अर्धसंश्लेषित बहुलक की किस प्रकार से परिभाषित करोगे? ये बहुलक अधिकांश है रासायनिक रूपांतरणों द्वारा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बहुलकों से व्युत्पन्न किए जाते। तो मतलब जो भी दोस्तों आपके प्राकृतिक रूप में जो बहुलक पाए जाते उनमें कुछ आप रासायनिक रूपांतरण करोगे और कौन से बहुलक का निर्माण कर लोगे? अर्धसंश्लेषित बहुलक का निर्माण कर लेंगे। अब यहां पर इसके भी दोस्तों एक दो उदाहरण आपको याद रखने, जो एनसीईआरटी में भी मेंशन कर रखे है। तो अर्धसंश्लेषित बहुलक का जो पहला उदाहरण है दोस्तों कौन सा है? सेलुलोस एसीटेट। ये उदाहरण आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पहला उदाहरण कौन सा है? सेलुलोस एसीटेट उदाहरण नंबर एक है। कौन से बहुलक का? अर्धसंश्लेषित बहुलक का, सेलुलोस एसीटेट। और दोस्तों ये जो सेलुलोज एसिटेट है ये किस नाम से फेमस है? तो आपको पता रखना है सेलुलोज एसिटेट को आप रेयोन बहुलक भी बोलते हो। कौन सा बहुलक बोलते हो दोस्तों? रेयोन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, रेयोन अदरवाइज सेलुलोज एसिटेट। और दूसरा जो उदाहरण है दोस्तों अर्धसंश्लेषित बहुलक का, वो उदाहरण कौन सा है? सेलुलोस नाइट्रेट है। तो ये दो उदाहरण ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है सेलुलोस कौन सा बहुलक है? सेलुलोज तो प्राकृतिक बहुलक है और इसमें रासायनिक रूपांतरण कर दिया आपने, रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा कुछ रूपांतरण किए, तो किसका निर्माण हो गया? अर्धसंश्लेषित बहुलक का निर्माण हो गया। और दो उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों, पहला वाला तो कौन सा हो जाएगा? सेलुलोज एसिटेट जिसको रेयोन बोलते हो, और दूसरा उदाहरण कौन सा हो जाएगा? सेलुलोज नाइट्रेट हो जाएगा। तो ये किसके उदाहरण हो गए? आपके अर्धसंश्लेषित बहुलक के उदाहरण हो गए। तो ये तो था दोस्तों बहुलक का वर्गीकरण, जिसके जिसमें आपने किसके आधार पर वर्गीकृत किया था? स्रोत के आधार पर। अब दूसरा आधार देखिए दोस्तों, दूसरा आधार कौन सा है? संरचना के आधार पर वर्गीकरण, मतलब यहां पर भी आपको बहुलकों को वर्गीकृत करना है, लेकिन यहां पर जो बेस होगा दोस्तों आधार कौन सा होगा? संरचना के आधार पर आप विभाजित करोगे। तो संरचना के आधार पर बहुलकों को तीन भागों में विभाजित किया जाता है दोस्तों। पहला भाग कौन सा होता है? रेखीय बहुलक। दूसरा होता है शाखित बहुलक बहुलक, और तीसरा होता है दोस्तों तिर्यकबद्ध बहुलक। तो तीन भाग होगी संरचना के आधार पर। इससे पहले अपन ने अध्ययन किया था स्रोत के आधार पर प्राकृतिक बहुलक, संश्लेषित बहुलक और अर्ध संश्लेषित बहुलक, और अब की बार अपन जो वर्गीकरण करेंगे ये किसके आधार पर है? संरचना के आधार पर। तो संरचना के आधार पर भी बहुलकों को तीन भागों में वर्गीकृत करेंगे। पहला हो गया आपके पास रेखीय बहुलक, दूसरा हो जाएगा दोस्तों शाखित बहुलक, और तीसरा हो जाएगा तिर्यकबद्ध बहुलक। तो आइए इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले अपन दोस्तों बात करेंगे यहां पर रेखीय बहुलक की, किस प्रकार से रेखीय बहुलक होता है, कैसे आपको इनको परिभाषित करना होता है। तो यहां पर पहला पॉइंट देखिए दोस्तों, रेखीय बहुलक के लिए या लीनियर पॉलीमर के लिए, ये वे बहुलक है जिनमें एकलक इकाइयां परस्पर, परस्पर का मतलब है आपस में, परस्पर जुड़कर एक रेखीय श्रृंखला बनाती है। ये रेखीय बहुलक अच्छी प्रकार से संकुलित रहते हैं, इसलिए इनका जो घनत्व है, तन्य शक्ति, गलनांक उच्च होते हैं। रेखीय बहुलकों के कुछ सामान्य उदाहरण जैसे कौन कौन से उदाहरण हो गए? पॉलीएथिलीन हो गया, मतलब पॉलीथीन उदाहरण हो गया, नाइलॉन, पॉलिस्टर, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल इत्यादि है। तो दोस्तों रेखीय बहुलक में आपको क्या सीखने को मिल रहा है कि रेखीय बहुलक का निर्माण जिन एकलक इकाइयों से होगा वो एकलक इकाइयां आपस में परस्पर जुड़कर क्या बनाती है? एक रेखीय श्रृंखला बनाती है, और रेखीय श्रृंखला बनाने के कारण ही इनको कौन सा बहुलक बोला गया है? रेखीय बहुलक बोला गया है। सेकेंड वाली बात क्या बोलिए कि जो रेखीय बहुलक है ये अच्छे प्रकार से क्या होते हैं? संकुलित होते हैं, और अच्छी प्रकार से संकुलित होने के कारण इनका गलनांक, तन्य शक्ति, घनत्व इनका मान क्या होते हैं? अधिक होते हैं। तीसरी बात यहां पर कौन कौन से उदाहरण है जो रेखीय बहुलक का उदाहरण हो गया जिसमें एकलक इकाइयां परस्पर जुड़कर रेखीय श्रृंखला बनाएगी? तो इसके उदाहरण ध्यान रखने, पॉलीथीन हो गया, दूसरा उदाहरण हो गया दोस्तों नाइलॉन, पॉलिएस्टर, पॉलीवाइनिल क्लोराइड और पॉलीएक्रिलोनाइट्राइड। सेकेंड वाला देखेंगे दोस्तों साकित बहुलक, और साकित बहुलक को इंग्लिश में आप बोलते हो ब्रांच्ड चेन पॉलीमर, ऐसे बहुलक जिनमें क्या निकली रहेगी? शाखाएं निकली रहेगी। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहां पर भी रेखीय जो श्रृंखलाएं है उनसे क्या निकल जाएगी? शाखाएं निकल जाएगी, तो किसका निर्माण हो जाएगा? साकित बहुलक का निर्माण हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर वन देखिए दोस्तों, कैसे परिभाषित करोगे आप साकित बहुलक को? ये वे बहुलक है जिनमें एकलक इकाइयां परस्पर जुड़कर विभिन्न लंबाइयों की पार्श्व श्रृंखलाएं या शाखा युक्त लंबी श्रृंखलाएं निर्मित करती है।
मतलब दोस्तों यहाँ पर केवल और केवल रेखीय श्रृंखला नहीं होती है, रेखीय श्रृंखला जो रेखीय श्रृंखला है इससे आगे चलकर और शाखाएं निकल जाती है, पार्श्व श्रृंखला यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बोल रहा है दोस्तों, ये शाखित श्रृंखला बहुलक अनियमित रूप से संकुलित रहते थे। दोस्तों यहाँ पर आप दोनों का तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हो, रेखीय बहुलक कैसे होते थे, बहुत अधिक संकुलित होते, जबकि शाखित बहुलक कैसे होते, अनियमित रूप से संकुलित होते। रेखीय बहुलकों का जो गलनांक था, तन्य शक्ति थी, ये इनका मान क्या होता था, अधिक होता था, तो इनके जो शाखित बहुलक है इनका घनत्व, गलनांक और तन्य शक्ति ये दोस्तों रेखीय बहुलकों की तुलना में क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कम होने का कारण क्या है, क्योंकि दोस्तों शाखित बहुलक है यहाँ पर जो रेखीय जो श्रृंखला थी उससे और अधिक शाखाएं निकल गई है, मतलब इनका जो संकुलन है वो अनियमित होता है। तो देखिए दोस्तों अतः इसीलिए इनकी तन्य शक्ति, गलनांक रेखीय बहुलकों की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, क्योंकि वहां पर अच्छे से संकुलित होते हैं और यहाँ पर अनियमित रूप से संकुलित होते हैं शाखित बहुलक में। कुछ उदाहरण की बात करेंगे दोस्तों शाखित बहुलक के, पॉलीथीन उदाहरण हो गया, ग्लाइकोजन, स्टार्च और एमाइलोपेक्टिन, ये दोस्तों एक्चुअल में किसके उदाहरण है, शाखित बहुलक के उदाहरण है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, पॉलीथीन और एमाइलोपेक्टिन ये शाखित बहुलक के उदाहरण है। तीसरा टाइप देखिए दोस्तों संरचना के आधार पर तिर्यक बद्ध बहुलक, और इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो यहां पर देखिए दोस्तों किस प्रकार से परिभाषित करोगे आप इसको, तिर्यक बद्ध बहुलक वे बहुलक होते हैं जिनमें एकलक इकाइयां परस्पर तिर्यक बद्ध रूप से जुड़कर एक त्रिविमीय नेटवर्क बना देती है। दोस्तों यहां पर क्या होगा, जो रेखीय श्रृंखला है उससे शाखाएं निकलेगी और उन शाखाएं है वो आपस में तिर्यक बद्ध रूप से आपस में क्या हो जाएगी, संयोजित हो जाएगी, और कौन सा नेटवर्क बना देती है, त्रिविमीय नेटवर्क का निर्माण कर लेती है। ये बहुलक नेटवर्क संरचना के कारण, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन सी संरचना बनती है तिर्यक बद्ध बहुलक में, नेटवर्क संरचना बनती है। तो नेटवर्क संरचना के कारण जो तिर्यक बद्ध बहुलक है ये कैसे होते, कठोर होते, दृढ़ होते एवं भंगुर प्रकृति के होते। उदाहरण की बात करें तो दोस्तों काफी इंपोर्टेंट उदाहरण है तिर्यक बद्ध का, उदाहरण पहला है बेकेलाइट, दूसरा उदाहरण है मेलामाइन और तीसरा उदाहरण है दोस्तों फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो ये उदाहरण आपको पता रखना है, बेकेलाइट हो गया, मेलामाइन हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ये किसके उदाहरण होते हैं, तिर्यक बद्ध बहुलक के उदाहरण होते हैं। यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, जो भी एकलक इकाइयां थी वो आपस में तिर्यक बद्ध से जुड़कर कौन सा नेटवर्क संरचना बना लेती है, त्रिविमीय नेटवर्क संरचना का निर्माण कर लेती है, और इसी त्रिविमीय नेटवर्क संरचना के कारण ये कठोर प्रकृति के होते, दृढ़ होते और भंगुर होते। उदाहरण के तौर पर आपको याद रखना है बेकेलाइट, मेलामाइन और फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो ये दोस्तों आपने वर्गीकरण किया था संरचना के आधार पर, तीन भागों में आपने विभाजित किया था। सबसे पहला भाग बोला था आपने रेखीय बहुलक, जिसमें केवल और केवल रेखीय श्रृंखला ही होती है, इनका अच्छे से संकुलन होता है तो इनका घनत्व, तन्य शक्ति और गलनांक क्या होता था, अधिक होता था। दूसरा आपने पढ़ा है शाखित बहुलक, यहाँ पर जो रेखीय जो श्रृंखला ये होती है उनसे आगे चलकर पार्श्व श्रृंखला ही निकल जाती है, जिसके कारण इनका जो संकुलन है वो अनियमित हो जाता है, और अनियमित संकुलन होने के कारण इनका जो गलनांक और तन्य शक्ति है रेखीय बहुलकों की तुलना में कम हो जाती है। तीसरा दोस्तों आपने अध्ययन किया था तिर्यक बद्ध बहुलक, तो यहाँ पर जो एकलक इकाइयां है परस्पर किस रूप से जुड़ती है, वो तिर्यक बद्ध से जुड़कर त्रिविमीय नेटवर्क संरचना का निर्माण कर लेती है, और इसी के कारण ये कठोर, दृढ़ एवं भंगुर प्रकृति की होती है। उदाहरण के तौर पर आपको पता रखना है तिर्यक बद्ध बहुलक के उदाहरण है बेकेलाइट, मेलामाइन और फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट वाला दोस्तों वर्गीकरण देखते हैं, यहां पर वर्गीकरण नंबर तीन है दोस्तों। अब की बार किस आधार पर आप बहुलकों का वर्गीकरण करोगे, तो अब की बार आधार कौन सा है, आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण। अब तक आपने दो आधार पर वर्गीकरण कर दिया था, पहला क्या था, स्रोत के आधार पर, जिसमें आपने बहुलक को प्राकृतिक, संश्लेषित और अर्ध संश्लेषित भागों में विभाजित किया था। दूसरा आपने वर्गीकरण किया था संरचना के आधार पर, जिसमें आपने बहुलकों को रेखीय, शाखित और साथ में तिर्यक बद्ध बहुलकों में वर्गीकृत किया था। तीसरा जो वर्गीकरण का आधार है दोस्तों, वो आधार कौन सा है, आणविक बल के आधार पर, मतलब आणविक बल के आधार पर आप बहुलकों को कितने भागों में विभाजित कर सकते हो। तो आइए दोस्तों इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अंतर आणविक बलों के आधार पर बहुलकों को चार प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला प्रकार कौन सा दोस्तों, पहला होता है प्रत्यास्थ बहुलक, दूसरा हो जाएंगे रेसे,
तीसरा हो जाएगा ताप सुनन्मय बहुलक और चौथा हो जाएगा ताप दृढ़ बहुलक। तो दोस्तों चार भागों में आपने वर्गीकृत कर दिया है, किसके आधार पर? आणविक बलों के आधार पर। पहला हो गया प्रत्यास्थ बहुलक, दूसरा हो गया रेसे, तीसरा हो गया ताप सुनमय बहुलक और चौथा हो गया ताप दृढ़ बहुलक। एक एक का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अपन डील करेंगे प्रत्यास्थ बहुलक से, और इंग्लिश में प्रत्यास्थ बहुलक को दोस्तों क्या बोलते हो आप? इलास्टोमर बोलते हो। तो आइए इसके बारे में अध्ययन कर दें। क्या होती है प्रत्यास्थ बहुलक? ऐसे बहुलक जिनमें रबर के समान प्रत्यास्थता होती है। प्रत्यास्थता का मतलब क्या होता है दोस्तों? कोई भी ऐसा पदार्थ जिसे खींचने के बाद में वह अपने मूल आकार में वापस आ सकता है, उसी को क्या कहा जाता है? प्रत्यास्थ कहा जाता है। आपने रबर को देखा होगा दोस्तों, जैसे ही आप रबर को खींचकर वापस छोड़ते हो तो जो रबर है वो अपने प्रारंभिक मूल अवस्था में वापस लौट आता है दोस्तों। इसी गुण को क्या कहा जाता है? प्रत्यास्थ गुण कहा जाता है। तो यहां पर सीधा सा मतलब है प्रत्यास्थ बहुलक कौन से होंगे दोस्तों? प्रत्यास्थ बहुलक वे होंगे जिनमें रबर के समान क्या उपस्थित होगी? प्रत्यास्थता उपस्थित होगी, इलास्टिसिटी उपस्थित होगी। कौन से बहुलक कहलाएंगे? प्रत्यास्थ बहुलक कहलाएंगे। तो सीधी सी एक लाइन में परिभाषित कर सकते हो इसको, ऐसे बहुलक जिनमें रबर के समान प्रत्यास्थता उपस्थित होती है प्रत्यास्थ बहुलक कहलाते हैं। दूसरी बात दोस्तों, प्रत्यास्थ बहुलकों में ऐसा कौन सा गुण उपस्थित है जिसके कारण प्रत्यास्थ बहुलक को खींचकर छोड़ने पर प्रत्यास्थ बहुलक अपने प्रारंभिक मूल अवस्था में वापस लौटकर आ जाता है? तो कौन सा गुण उपस्थित है, किस प्रकार का आणविक बल कार्य करता है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों देखिए यहां पर क्या मेंशन कर रखा है, प्रत्यास्थ बहुलक में श्रृंखलाएं दुर्बल अंतरआणविक बलों द्वारा परस्पर बंधी रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों कि जो भी प्रत्यास्थ बहुलक होगा उस बहुलक में जो श्रृंखलाएं है, जो एकलक इकाइयां है, वो आपस में कौन से बंध के द्वारा आबंधित रहती है? तो ये आबंध कौन सा है? दुर्बल अंतरआणविक आकर्षण बलों के द्वारा। कौन से बल वहां पर कार्य करती है? दुर्बल अंतरआणविक बल कार्य करती है। दुर्बल बलों की उपस्थिति के कारण इन बहुलकों को सरलता से खींचकर लंबा किया जा सकता है और छोड़ने पर ये अपनी पूर्ववत स्थिति में आ जाते, मतलब अपनी मूल अवस्था में लौट आते। प्रत्यास्थ बहुलक का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण कौन सा होता है? प्राकृतिक रबड़ है दोस्तों। प्रत्यास्थ बहुलक का सबसे फेमस उदाहरण कौन सा होता है दोस्तों? प्रत्यास्थ प्राकृतिक रबर होता है। अगर दोस्तों आप इसके और उदाहरण लेना चाहते हो कि और कौन कौन से बहुलक है जिनको आप प्रत्यास्थ बहुलक बोल सकते हो, तो दोस्तों इसके उदाहरण अगर आपको बताऊं, नियोप्रीन बोल सकते हो। कौन सा उदाहरण हो जाएगा? नियोप्रीन। यहां पर जो मैंने ब्लू पेन से राइट डाउन किया है दोस्तों, ये किसके उदाहरण है? एक्चुअल में ये उदाहरण आपके प्रत्यास्थ बहुलक है, नियोप्रीन हो गया। एक आप याद रख सकते हो दोस्तों ब्यूना एन, तीसरा हो जाएगा ब्यूना एस। तो ये हो जाएगा दोस्तों ब्यूना एन, और तीसरा वाला उदाहरण कौन सा हो जाएगा? ब्यूना एस हो जाएगा। ये लीजिए दोस्तों कुछ उदाहरण है जो मैंने मेंशन कर दिया है, जो प्राकृतिक रूप से जिनको खींचकर वापिस छोड़ा जाता है तो ये अपनी पूर्ववर्ती स्थिति में वापिस से लौट कर आ जाती है। प्रत्यास्थ बहुलक के उदाहरण में नियोप्रीन, नियोप्रीन को दोस्तों आप क्या कहते हो? प्राकृतिक रबर कहते हो, ठीक है। इसके बाद में और कौन से उदाहरण हो जाएंगे? ब्यूना एन हो गया और ब्यूना एस। ब्यूना एन और ब्यूना एस भी किसका प्रकार होता है? एक प्रकार से ये रबर के प्रकार होते हैं। इनमें भी कौन सा गुण पाया जाता है? प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। तो ये तीन उदाहरण आपको पता रखना है, नियोप्रीन, ब्यूना एन और तीसरा वाला उदाहरण कौन सा हो गया? ब्यूना एस हो जाएगा। तो ये वाले उदाहरण आपको दोस्तों पता रखने, किसके उदाहरण है? प्रत्यास्थ बहुलक के उदाहरण है। उनमें जो बहुलक की श्रृंखलाएं होती है उनमें कौन सा बल लगता है दोस्तों? दुर्बल अंतरआणविक आकर्षण बल उपस्थित होता है। दूसरे वाले बहुलक को देखेंगे दोस्तों, जिस पर आणविक बल के आधार पर आप वर्गीकृत कर रहे थे। पहला हो गया प्रत्यास्थ बहुलक, दूसरा बहुलक कौन सा है दोस्तों? रेसा, जिसको इंग्लिश में बोलते हो फाइबर। तो फाइबर को किस प्रकार से परिभाषित करोगे, क्या क्या इसकी विशेषता ये होती है, यहां पर कौन से आणविक बल कार्य करते हैं, और साथ में ऐसे कौन कौन से बहुलक है जो रेशे के उदाहरण होते हैं। तो आइए इससे डील करते हैं। इन बहुलकों में श्रृंखला के मध्य प्रबल अंतरआणविक आकर्षण बल उपस्थित होती है। दोस्तों दोनों में अंतर हो गया, प्रत्यास्थ बहुलक में कौन से बल थे? दुर्बल अंतरआणविक आकर्षण बल थे, लेकिन जब बात करोगे रेशों की, फाइबर की, तो यहां पर कौन से बल उपस्थित होंगे? प्रबल अंतरआणविक आकर्षण बल उपस्थित है। और ये कौन कौन से बल हो सकते जो प्रबल अंतरआणविक आकर्षण बल के उदाहरण होंगे? तो दोस्तों ये वाले आपको नाम याद होने से, रेसों के अंदर पाए जाने वाले जो प्रबल अंतरआणविक जो बल होते हैं वो कौन से होते हैं? या तो होंगे वो हाइड्रोजन बंध,
या फिर कौन से होंगे द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। तो एक बार दोस्तों एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ रखा है, रेसो के अंदर उपस्थित प्रबल अंतरणविक आकर्षण बल कौन कौन से हो सकते हैं, तो कौन कौन से हो सकते हैं, हाइड्रोजन बंध और द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल हो सकते हैं। अब इन बलों के कारण क्या होता है दोस्तों, जो एकलक श्रृंखलाएं है वो क्या हो जाती है, सघन रूप से क्या हो जाती है, संकुलित अवस्था में रहती है, और संकुलित अवस्था में रहने के कारण दोस्तों इनकी जो तन्य शक्ति है वो क्या होती है, प्रबल होती है, और इनकी प्रत्यास्थता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए इन बहुलकों के स्पष्ट गलनांक होते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सघन संकुलित है तो इनकी गलनांक क्या होती है, ज्यादा होती है, इनकी प्रत्यास्थता कम होती है, लेकिन इनकी जो तन्य शक्ति है वो क्या होती है, प्रबल होती है। ये बहुलक लंबे पतले एवं धागे नुमा होते हैं एवं इनसे वस्त्र बुने जा सकते हैं। रेशों से ज्यादातर वस्त्र ही बनाए जाते हैं दोस्तों, तो इनका निर्माण किसमें किया जा सकता है, वस्त्र के निर्माण में किया जा सकता है, इसीलिए इनका उपयोग रेशे बनाने में किया जाता है। उदाहरण की बात करेंगे कौन कौन से ऐसे बहुलक जो रेशे के उदाहरण होंगे, तो इसके अंदर आएगा दोस्तों पहला नाइलोन 66, दूसरा उदाहरण आ गया डेक्रोन, तीसरा उदाहरण आपके पास सिल्क। तो दोस्तों ये तीन उदाहरण आपको ध्यान रखने जो रेशे में आएंगे, नाइलोन 66, डेक्रोन और सिल्क। यहां पर आपको ये पता रखना है कि इनके जो भी एकलक श्रृंखलाएं होगी उनके मध्य प्रबल अंतरणविक आकर्षण बल होगा। कौन सा अंतरणविक आकर्षण बल होगा, या तो हाइड्रोजन बंध होगा या द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल होगा, और इन अंतरणविक आकर्षण बलों के कारण जो एकलक जो श्रृंखलाएं है वो सघन संकुलित अवस्था में रहती है, और सघन संकुलित अवस्था में रहने के कारण इनका गलनांक उच्च होगा, प्रत्यास्थता कम हो जाएगी, और तन्य शक्ति क्या होती है, अधिकतम होती है। दोस्तों इनकी पहचान क्या है दोस्तों, ये बहुलक कैसी होती है, लंबे होती है, पतले होती है, और धागे नुमा संरचना में होते हैं, और मुख्य रूप से उपयोग किसमें किया जाता है, वस्त्र के निर्माण में किया जाता है। कौन कौन से उदाहरण आ जाएंगे, नाइलोन 66, डेक्रोन और सिल्क इसके उदाहरण हो जाएंगे। थर्ड वाला देखिए दोस्तों, थर्ड वाला जो बहुलक है आणविक बल के आधार पर वो कौन सा है, ताप शून्य बहुलक, इंग्लिश में बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक बहुलक। दोस्तों नाम से स्पष्ट हो रहा है, ऐसे बहुलक जिनको गर्म करने पर कैसे हो जाएंगे, नरम या मुलायम हो जाएंगे, और ठंडा करने पर कैसे हो जाएंगे, कठोर हो जाएंगे। दोस्तों इन्हीं बहुलकों को कौन सा बोला जाता है, ताप शून्य बहुलक या थर्मोप्लास्टिक बहुलक बोला जाता है। तो आइए दोस्तों डील करते हैं क्या किस प्रकार से इनको परिभाषित करोगे। थर्मोप्लास्टिक वे बहुलक है जो बार बार गर्म किए जाने पर सरलता से मुलायम किए जा सकते हैं एवं ठंडा किए जाने पर कठोर हो जाते हैं। दोस्तों इनकी यही विशेषता है, अगर आप इन बहुलकों को गर्म करोगे तो ये मुलायम हो जाएंगे और ठंडा करने पर क्या हो जाएंगे, कठोर हो जाएंगे। इन बहुलकों में अंतर आणविक आकर्षण बल प्रत्यास्थ बहुलक एवं रेशों के मध्यवर्ती होता है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दोस्तों। यहां पर भी कौन से बल लगेंगे, अंतर आणविक आकर्षण बल लगेंगे, लेकिन उनका मान है वो किसके मध्य होता है दोस्तों, रेशो और प्रत्यास्थ बहुलक के मध्य होता है। मतलब रेशो की तुलना में तो यहां पर जो अंतर आणविक आकर्षण बल कम होता है और प्रत्यास्थ बहुलकों की तुलना में अधिक लगता है। इनमें श्रृंखला के मध्य तीर्यक बंध नहीं पाए जाते, ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। अगर तीर्यक बंध का निर्माण हो जाता है श्रृंखलाओं के मध्य, तो फिर आप उसको गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर वो कभी भी कठोर नहीं हो सकता। तो यहां पर ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो भी थर्मोप्लास्टिक जो बहुलक है इनमें जो भी एकलक श्रृंखलाएं होगी उनके मध्य तीर्यक बंध उपस्थित नहीं होती है, इस प्रकार ये गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं, क्योंकि बहुलक श्रृंखला तीर्यक बंध की अनुपस्थिति के कारण अधिकाधिक स्वतंत्रता पूर्वक मुड़ सकती है। गर्म किए जाने पर ये पिघल कर द्रव अवस्था में आ जाती है, जिन्हें किसी भी इच्छित आकार में ढाला जा सकता है। तो थर्मोप्लास्टिक ऐसे बहुलक है दोस्तों, आप इसको मन चाहा आकार प्रदान कर सकते हो, जैसा आकार में आपको बहुलक चाहिए आप उसको उसी आकार के सांचे में डाल दीजिए, उसी आकार का बहुलक का निर्माण हो जाएगा एवं ठंडा किए जाने पर इच्छित उत्पाद में प्राप्त होता है। उदाहरण इंपोर्टेंट है दोस्तों, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड और टेफ्लोन, ये एक्चुअल में किसके उदाहरण होते हैं, ताप शून्य बहुलक के उदाहरण होते हैं, जो गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं। कौन कौन से बहुलक है दोस्तों, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड और टेफ्लोन इसके उदाहरण है। तो ताप शून्य बहुलक के अंदर आपको दो से तीन बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। पहली बात, तो ये ऐसे बहुलक है जिनको बार बार गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं। दूसरी बात, यहां पर जो अंतरणविक आकर्षण बल है दोस्तों किसके इंटरमीडिएट होता है, किसके मध्यवर्ती होता है, रेशे और प्रत्यास्थ बहुलक के मध्यवर्ती होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि दोस्तों इन बहुलकों की जो एकलक श्रृंखला है वहां पर कौन से बंध अनुपस्थित होते हैं,
तिर्यक बंध अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि तिर्यक बंध अगर उपस्थित होगा तो फिर वो मुलायम और कठोर नहीं हो सकता। और इसके उदाहरण कौन कौन से दोस्तों? पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड और टेफ्लोन इसके उदाहरण है दोस्तों। चौथा देखिए दोस्तों, आणविक बल के आधार पर ताप दृढ़ बहुलक। ये जो तीसरे वाला बहुलक था थर्मोप्लास्टिक, उसका जस्ट रिवर्स है दोस्तों। ये ऐसा बहुलक होगा जिसको अगर आपने एक बार गर्म कर दिया तो उसमें स्थायी रूप से क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। मतलब ये इस प्रकार के बहुलक है जिनको बार बार गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर ये कठोर नहीं होते। तो आइए कैसे इनको से डील करते हैं। ताप दृढ़ बहुलक, इंग्लिश में बोलते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ये वे बहुलक है जिन्हें गर्म किए जाने पर उनमें स्थायी परिवर्तन आ जाता है। ये गर्म करने पर कठोर एवं अगलनीय हो जाते हैं। ये काफी इंपोर्टेंट बात है दोस्तों। जैसे आप इसको गर्म करोगे तो गर्म करने पर ये बहुलक कैसे हो जाएंगे? कठोर हो जाएंगे और साथ में कैसे हो जाएंगे? अगलनीय हो जाएंगे, मतलब पिघलते नहीं है। इन्हें सामान्यतः निम्न अणुभार वाले अर्ध द्रव पदार्थों से बनाया जाता है। जब इन्हें गर्म किया जाता है तो उनमें अत्यधिक कौन से बंध बन जाते? तिर्यक बंधों का निर्माण हो जाता है दोस्तों। और जिसमें भी तिर्यक बंधों का निर्माण हो गया तो फिर वो गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो एकलक श्रृंखला है उनके मध्य कौन से बंध का निर्माण हो जाता है? तिर्यक बंध, क्रॉस लिंक का निर्माण हो जाता है, जो इन्हें कठोर, अगलनीय एवं अविलय उत्पाद में बदल देता है। तिर्यक बंध अणुओं को इस प्रकार अपने स्थान पर बांध देते हैं ताकि अणु उष्मा पाकर स्वतंत्रता रूप से ना घूम सके। इसलिए ताप दृढ़ बहुलक, तिर्यक बंध एवं स्थायी रूप से दृढ़ बहुलक होते हैं। उदाहरण कौन कौन से हो गए दोस्तों? बेकेलाइट, मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड और रेजिन इसके उदाहरण हो गए दोस्तों। तीन उदाहरण बोले, बेकेलाइट बहुलक, मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक और तीसरा कौन सा हो गया? रेजिन वाला उदाहरण हो गया है दोस्तों। तो ये एक्चुअल में किसके उदाहरण है? ताप दृढ़ बहुलक। और आप इसको इनडायरेक्टली ऐसे भी याद कर सकते हो, ताप दृढ़ बहुलक में कौन से बहुलक आएंगे? तिर्यक बंध वाले बहुलक आएंगे, जिनमें तिर्यक बंध का निर्माण हो जाएगा, वही किसके उदाहरण होते हैं? ताप दृढ़ बहुलक के उदाहरण होते हैं। तो ये जो तीनों उदाहरण है दोस्तों कौन कौन से? बेकेलाइट, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड और रेजिन, ये तीनों किसके उदाहरण थे? तिर्यक बंध वाले बहुलक के उदाहरण थे। तो ये दोस्तों कंप्लीट होता है आपका वर्गीकरण नंबर तीसरा, जिसमें आपने आणविक बलों के आधार पर बहुलकों को चार भागों में बांट दिया था। अब दोस्तों यहां पर एग्जाम में काफी टाइम ये सवाल आता है, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, अगर ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम की बात करें तो वहां पर काफी टाइम ये सवाल आ रखा है, दोनों की तुलना करवा लेता है, किस किस की? थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग की, मतलब ताप सुनमे बहुलक और ताप दृढ़ बहुलक की तुलनात्मक अध्ययन करते हैं दोस्तों। ये देखिए, सबसे पहला देखिए, ताप सुनमे बहुलक कौन से होते हैं? ये गर्म करने पर मुलायम होते हैं और ठंडा करने पर क्या होते हैं? गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं, ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं। ताप दृढ़ बहुलक की बात करोगे तो ये गर्म करने पर क्या नहीं होते? मुलायम नहीं होते, बल्कि क्या होते? और अधिक कठोर हो जाते हैं। और कारण क्या है और अधिक कठोर होने का दोस्तों? लंबे समय तक गर्म करने पर ये जलने लगते हैं। मतलब यहां पर क्या होता है दोस्तों, जब भी आप ताप दृढ़ बहुलकों को गर्म करते हो तो इनकी जो एकलक श्रृंखला है उनके मध्य तिर्यक बंधों का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण ये मुलायम नहीं हो पाते। और आपने अगर इसको अधिक समय तक गर्म कर दिया तो अंत में क्या हो जाएगा दोस्तों? ये बर्न करने लग जाएंगे, जलने लग जाएंगे। तो पहला अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर देखिए, ताप सुनमे बहुलक है, इनको किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, क्योंकि गर्म करने पर कैसे हो जाते हैं? मुलायम हो जाते हैं। लेकिन जो ताप दृढ़ बहुलक है दोस्तों, इनको किसी भी आकार में नहीं ढाला जा सकता, क्योंकि ये गर्म करने पर क्या हो जाती है? अत्यधिक कठोर हो जाते हैं, क्योंकि इनमें तिर्यक बंधों का निर्माण हो जाता है। अंतर नंबर तीन देखिए दोस्तों, ताप सुनमे बहुलक है ये अपेक्षाकृत कम भंगुर तथा कुछ कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। लेकिन जैसे आप बात करोगे ताप दृढ़ बहुलक की तो ये कैसे होती है? अधिक भंगुर प्रकृति की होती है और कार्बनिक विलायकों में कैसे होते हैं? अविलय होते हैं, मतलब ये कार्बनिक विलायकों में नहीं घुलते और साथ में ताप सुनमे बहुलकों की तुलना में इनकी भंगुरता अधिक होती है। अंतर नंबर चार ये आगे देखेंगे, अब आगे आ जाएगा। अभी ताप सुनमे बहुलक है, इसका निर्माण कौन से बहुलीकरण प्रक्रिया के द्वारा करते हो? योगात्मक बहुलीकरण प्रक्रिया के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। संश्लेषण के आधार पर बहुलकों को दो भागों में विभाजित करोगिया, पहला वाला कौन सा होगा? योगात्मक। दूसरा कौन सा है? संघनन। तो ताप सुनमे बहुलक है, इनका निर्माण किसके द्वारा संभव है? योगात्मक बहुलीकरण के द्वारा किया जाता है। और दूसरी तरफ बात करें अपन ताप दृढ़ बहुलक, तो इनका निर्माण कौन से बहुलीकरण द्वारा होता है?
संघनन बहुलीकरण के द्वारा होता है। लास्ट अंतर देखिए दोस्तों, ताप जो सुनमेय बहुलक है उनमें कौन सी संरचना होती है, रेखीय संरचना होती है, क्योंकि तिरेक बंधों का निर्माण नहीं होता है। और जब बात करते हो आप ताप दृढ़ बहुलक की, तो यहां पर कौन से बंध प्रकार की संरचना होती है, त्रिविमीय तिरेक बद्ध संरचना वाले यौगिक होते हैं। मतलब यहां पर तिरेक बंधों का निर्माण हो जाता है, क्रॉस लिंक का निर्माण हो जाता है। उदाहरण की बात करेंगे तो ताप सुनमेय बहुलक के उदाहरण कौन से आ जाएंगे, पॉलीथीन, पीवीसी और टेफ्लॉन। और ताप दृढ़ बहुलक के उदाहरण कौन से आ जाएंगे, तिरेक बद्ध वाले बहुलक, तो बेकेलाइट आ गया, यूरिया फॉर्मियल्डिहाइड रेजिन आ गया, मेलामाइन फॉर्मियल्डिहाइड आ जाएगा। ये किसके उदाहरण है आपके, ताप दृढ़ बहुलक के। नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों, वर्गीकरण नंबर चार है दोस्तों। किसके आधार पर वर्गीकृत करोगे आप, संश्लेषण के आधार पर। अभी आपने पढ़ा है संश्लेषण के आधार पर बहुलकों को दो भागों में विभाजित करेंगे। पहला वाला कौन सा हो जाएगा, युगात्मक बहुलक हो जाएगा, और दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा, संघनन बहुलक हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से युगात्मक बहुलक होता है, किस टाइप से संघनन बहुलक। सबसे पहले इनका अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। अंतर स्पष्ट करने के बाद में दोस्तों इनका एक एक उदाहरण लेंगे और उदाहरण की सहायता से अपन समझेंगे कि कौन सा तो आपके युगात्मक बहुलीकरण का उदाहरण है और दोस्तों कौन सा आपके संघनन बहुलीकरण का उदाहरण होता है। तो आइए डील करते हैं सबसे पहले अपन युगात्मक बहुलक से। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से युगात्मक बहुलक होता है, युगात्मक बहुलक युगात्मक अभिक्रियाओं द्वारा प्राप्त होते हैं। सबसे पहले बात, युगात्मक बहुलक का निर्माण कौन से अभिक्रिया के द्वारा होगा, युगात्मक के द्वारा। और संघनन बहुलक का निर्माण कौन सी प्रक्रिया के द्वारा हो जाएगा, संघनन प्रक्रिया के द्वारा हो जाएगा। दूसरी इंपोर्टेंट की बात क्या है दोस्तों, जब भी संघनन प्रक्रिया होगी तो इसमें जो सरल अणु कौन से होगी, जैसे H2O जल का अणु हो गया, H2 हो गया, अमोनिया हो गया, दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा, NH3 अमोनिया आदि का विलोपन होता है। तो एक बात कन्फर्म होगी कि युगात्मक बहुलक का निर्माण युगात्मक प्रक्रियाओं के द्वारा किया जाता है और इसमें किसी भी सरल अणु का विलोपन नहीं होता है। लेकिन आप बात करोगे संघनन बहुलक की, तो संघनन बहुलक का निर्माण संघनन प्रक्रियाओं के द्वारा होता है और इस प्रक्रिया में सरल अणु जैसे H2O और अमोनिया आदि का विलोपन होता है। दूसरा अंतर देखिए दोस्तों, योगात्मक बहुलक है इनका अणुभार एकलकों के अणुभार के पूर्ण गुणांक होता है। तो जितना आणविक भार एकलक का होगा उतना ही आणविक भार किसका होता है दोस्तों, बहुलक का होता है। लेकिन संघनन की बात करेंगे क्योंकि यहां पर सरल अणु का निष्कासन हो जाएगा तो दोस्तों यहां पर जो इनका आणविक भार है एक समान नहीं होगा। तो देखिए संघनन बहुलक के लिए क्या बोलेंगे, इनके अणुभार एकलकों के अणुभार के पूर्ण गुणांक नहीं होती। और पूर्ण गुणांक नहीं होने के पीछे कारण क्या है, सरल अणु या छोटे अणु जल और अमोनिया के निष्कासन हो जाने के कारण बहुलक का जो आणविक भार है वो एकलकों के आणविक भार का पूर्ण गुणांक नहीं होता है। तीसरा अंतर देखिए दोस्तों, युगात्मक बहुलक में सामान्यतः कितने प्रकार की एकलक इकाई शामिल होती है, एक ही प्रकार की एकलक इकाइयां शामिल होती है। ज्यादातर जितने भी युगात्मक बहुलक है दोस्तों उसमें कितने प्रकार की एकलक इकाइयां पाई जाएगी, केवल एक ही प्रकार की एकलक इकाइयां पाई जाएगी। दूसरी बात, उनमें ये सामान्यतः कौन से अणु होते हैं, असंतृप्त अणु होते हैं। एकलक इकाइयां कौन सी होगी, असंतृप्त अणु होगी। मतलब यहां पर कार्बन कार्बन के मध्य या तो द्विबंध उपस्थित होगा या कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध उपस्थित होगा। दूसरी तरफ बात कर ले अगर अपन संघनन बहुलक की, तो इसमें सामान्यतः एक से अधिक एकलक इकाइयां शामिल होती है। युगात्मक बहुलक में सामान्यतः एक प्रकार की एकलक इकाई होती है, लेकिन संघनन बहुलक में एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयां शामिल होती है। दूसरी इंपोर्टेंट बात क्या है, इन एकलक इकाइयों में दो सक्रिय क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। मतलब यहां पर जो योगात्मक बहुलक है उसमें तो कैसा अणु होना चाहिए, असंतृप्त अणु होना चाहिए। लेकिन संघनन बहुलक के लिए जो भी एकलक इकाइयां आ रही है, पहली बात तो एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाई आएगी, दूसरी बात उन एकलक इकाइयों में कितने प्रकार के क्रियात्मक समूह उपस्थित होने चाहिए, दो प्रकार के क्रियात्मक समूह उपस्थित होने चाहिए। योगात्मक बहुलक का दोस्तों कौन से बहुलक होते हैं, श्रृंखला वृद्धि बहुलक होते हैं। और जो संघनन बहुलक है ये कौन से बहुलक होते हैं, प्राय चरण वृद्धि बहुलक होते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों दोनों के मध्य अंतर कि कौन सा तो युगात्मक बहुलक है और दोस्तों कौन सा आपका संघनन बहुलक है। तो दोनों का दोस्तों मैं उदाहरण यहां पर आगे मेंशन कर दूंगा जिसे आपको इजीली पता चल जाए कि कौन सा तो युगात्मक का उदाहरण है और कौन सा संघनन बहुलक का उदाहरण। अभी आगे वाली स्लाइड के अंदर आ गया, ये देखिए दोस्तों वर्गीकरण का पांचवा आधार है दोस्तों। चार आधार आप पढ़ चुके हो अलग अलग, पांचवा बहुलकों को वर्गीकृत करने का आधार कौन सा है,
एकलकों की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, मतलब अगर मान लीजिए केवल एक ही प्रकार का एकलक से बहुलक का निर्माण हो रहा है तो वो कौन सा कहलाएगा? समबहुलक कहलाएगा। और जिसमें एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयां आ गई वो कौन सा कहलाएगा? सहबहुलक कहलाएगा। समबहुलक का निर्माण किससे होगा? योगात्मक बहुलीकरण से। और सहबहुलक का निर्माण किससे होगा दोस्तों? सहबहुलक का निर्माण किससे होगा दोस्तों? अभी आपने पढ़ाया था नेक्स्ट वाले के अंदर संघनन बहुलीकरण से। तो यह पता रखना है सहबहुलक का निर्माण संघनन बहुलीकरण के द्वारा होता है और जो आपके समबहुलक का निर्माण है युगात्मक अभिक्रिया के द्वारा होता है। तो पहले इनको डील कर लेते हैं। बहुलकों के वर्गीकरण का पांचवा आधार है एकलकों की प्रकृति के आधार पर। और कितने भागों में विभाजित किया है? दो भाग में। पहला हो गया समबहुलक और दूसरा कौन सा हो गया? सहबहुलक। तो दोस्तों नाम से स्पष्ट है समबहुलक मतलब ऐसा बहुलक जिसमें कितने प्रकार की एकलक इकाइयां पाई जाएंगी? केवल एक प्रकार की। तो परिभाषा देखिए, वे बहुलक जो केवल एक ही प्रकार के एकलकों से प्राप्त होते हैं समबहुलक कहलाते हैं। ऐसे बहुलक जिसमें केवल एक ही प्रकार की एकलक इकाइयां उपस्थित होती है समबहुलक कहलाते हैं। उदाहरण कौन सा हो जाएगा? उदाहरण के लिए पॉलीथीन एकलक एथीन का एक समबहुलक है। ये देखिए दोस्तों कौन सा बहुलक है? पॉलीथीन। कितनी एकलक इकाई है? केवल एक ही एकलक इकाई है। और वो एकलक इकाई कौन सी है? एथीन। तो वास्तव में जो पॉलीथीन है वो एक ही एकलक के बार बार पुनरावृत्ति होने से संयोजन होने से बना है। तो ये एक्चुअल में किसका उदाहरण हो जाएगा? समबहुलक का उदाहरण हो जाएगा। और दोस्तों ये जो आपका समबहुलक है पॉलीथीन है यही एक्चुअल में कौन सी प्रक्रिया के द्वारा बनता है? इसका निर्माण कौन से संश्लेषण के द्वारा होता है? तो योगात्मक बहुलक के द्वारा होता है। कौन सा संश्लेषण होगा? योगात्मक बहुलक। तो आपको यह भी पता रखना है कि जितने भी समबहुलक है इनका निर्माण कौन से संश्लेषण के द्वारा होता है? योगात्मक संश्लेषण के द्वारा होता है दोस्तों। कौन से संश्लेषण के द्वारा होगा? योगात्मक संश्लेषण के द्वारा। सेकेंड वाला देखिए, सहबहुलक जिसको को पॉलीमर भी बोलते हो, वे बहुलक जो दो या दो से अधिक भिन्न एकलकों से प्राप्त होते हैं सहबहुलक या मिश्रित बहुलक कहलाते हैं। सीधा सा मतलब दोस्तों ये वह बहुलक जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयां उपस्थित हो सहबहुलक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कौन सा बोल दिया दोस्तों? नाइलोन 6-6 एक बहुलक बोल दिया जिसमें दो प्रकार की एकलक इकाई है। कौन कौन सी? एक तो है दोस्तों हेक्सामेथिलीन डायमीन और दूसरी कौन सी है दोस्तों? एडीपी के अम्ल है। और ये वास्तव में जितने भी सहबहुलक होंगे दोस्तों इन सहबहुलकों का निर्माण कौन से संश्लेषण के द्वारा होगा? तो यहां पर इनका निर्माण होता है दोस्तों हमेशा संघनन संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा होगा? संघनन संश्लेषण के द्वारा सहबहुलक का निर्माण होगा। और दोस्तों समबहुलक का निर्माण किसके द्वारा होगा? युगात्मक संश्लेषण के द्वारा। तो यहां पर दोस्तों लास्ट जो आज की क्लास का लास्ट स्लाइड है संश्लेषण संघनन जो संश्लेषण है इसके आधार पर सहबहुलक का निर्माण देख लेते दोस्तों। अभी कौन सा उदाहरण बोला था? नाइलोन 6-6। पहले वाले एकलक इकाई कौन सा था दोस्तों? नाइलोन 6-6 के अंदर हेक्सामेथिलीन डायमीन। तो ये लीजिए दोस्तों मैं संरचना बनाता हूं। हेक्सामेथिलीन डायमीन क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों हेक्सामेथिलीन CH2 को बोलते हो मैथिलीन। CH2 को क्या बोलते हो? मैथिलीन। हेक्सा बोला तो नंबर कितना आ गया? 6। और साथ में क्या बोला? डाई अमीन। अमीन का मीनिंग होता है NH2 से। तो ये दोस्तों संरचना होती है हेक्सामेथिलीन डायमीन। किस प्रकार से संघनन बहुलीकरण की अभिक्रिया होगी इसको अंडरस्टैंड कराने के लिए इसकी संरचना को मैंने ओपन करके लिख दिया। तो इसका नाम तो क्या हो गया? हेक्सामेथिलीन डायमीन। दूसरी एकलक इकाई कौन सी है दोस्तों? एडीपी कमल। और एडीपी कमल है दोस्तों इसके अंदर जो क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का मीनिंग क्या है? C(OOH) ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसको अच्छे से राइट डाउन करता हूं दोस्तों जिससे आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए किस प्रकार से आपको इसको लर्न करना है। तो ये लीजिए दोस्तों ये तो हो गया हेक्सामेथिलीन डायमीन। और हेक्सामेथिलीन डायमीन के साथ जो दूसरी एकलक इकाई कौन सी है दोस्तों? दूसरी एकलक इकाई है आपके पास एडीपिक अम्ल। ये स्ट्रक्चर होती है दोस्तों एडीपिक अम्ल के। एडीपिक अम्ल में भी 6 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। कितने कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं एडीपिक अम्ल में भी? 6। तो ये आपको इस प्रकार से एडीपिक अम्ल की ये संरचना है दोस्तों COOH CH2 4 COOH। और यहां से आपने इसको किसका उदाहरण बोला है? संघनन बहुलीकरण का उदाहरण बोला है। और अभी आपने देखा था कि संश्लेषण के आधार पर दो भागों में आपने विभाजित किया था युगात्मक और संघनन बहुलीकरण। संघनन बहुलीकरण में क्या होता था दोस्तों? जो छोटा अणु है उसका विलोपन होता था। तो यहां पर कौन से अणु का विलोपन हो जाएगा? जो हेक्सामेथिलीन डायमीन है यहां से तो हाइड्रोजन रिमूव होगा और जो आपका एडीपी कमल है दोस्तों यहां से कौन चला जाएगा? OH चला जाएगा।
कब यहाँ पर रिमूव होगा, जब आप इसको क्या प्रोवाइड करोगे, हीट प्रोवाइड करोगे, तापमान प्रोवाइड करोगे। कौन सा अणु चला गया, जल का अणु, मतलब जल एक छोटा अणु, इसका क्या हो गया, विलोपन हो गया। तभी आपने इस अभिक्रिया को कौन सा संश्लेषण की अभिक्रिया बोली है, संघनन संश्लेषण के द्वारा निर्माण होना बताया। और देखो दोस्तों यहाँ पर निर्माण किसका हो जाएगा, ये देखिए, या आप इसके कितने कितने अणु आपको काम में लेने पड़ेंगे, बहुलक का निर्माण करें तो इसके भी एन आएंगे, और दोस्तों इसके भी कितने अणु आ जाएंगे, एन अणु आ जाएंगे। तो एक्चुअल में यहाँ पर देखिए, यहाँ से राइट डाउन करना स्टार्ट करता हूं मैं, किसका निर्माण हो जाएगा दोस्तों, हेक्सा जो नाइलोन 6-6 है, एक्चुअल में उसका निर्माण किस प्रकार से होगा, क्योंकि ये वाली जो प्रक्रिया वो सतत चलती रहेगी, इस साइड से हाइड्रोजन हटता जाएगा और इस साइड से OH रिमूव हो जाएगा। तो एक्चुअल में दोस्तों किस प्रकार की संरचना का निर्माण हो गया, यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, क्योंकि इसी प्रकार का दूसरा अणु यहां पर आकर जुड़ेगा ADP कमल का, तो यहां से हाइड्रोजन और वहां से क्या चला जाएगा, OH चला जाएगा। तो ये संरचना बनेगी NH सिंगल बॉन्ड CH2, कितने CH2 है दोस्तों, 6, तो ये मैंने भी कितने मेंशन कर दिए, 6। फिर नेक्स्ट कौन है, NH, ये लीजिए NH सिंगल बॉन्ड, यहां से H और यहां से OH रिमूव हो गया। ये नाइट्रोजन किससे कनेक्ट होगा, कार्बन से, कार्बोनिल वाले कार्बन से, तो ये दोस्तों किससे अटैच हो गया, C डबल बॉन्ड O से। C डबल बॉन्ड O फर्दर किससे अटैच है, CH2, कितने नंबर में प्रेजेंट है, CH2 4 सिंगल बॉन्ड। और यहां से भी दोस्तों क्या सीन क्रिएट होगा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, सी डबल बॉन्ड OH है, यहां से OH रिमूव हो जाएगा, तो यहां पर भी क्या रह जाएगी, एक वैलेंसी बन जाएगी। कितने अणु लिए थे दोनों की, NN, तो यहां पर बहुलक बनाना, तो यहां पर क्या मेंशन कर दोगे, N लिख दोगे। और ये एक्चुअल में दोस्तों आपने किसका निर्माण कर दिया, नाइलोन 6-6 का निर्माण कर दिया। इसको नाइलोन 6-6 क्यों बोला है, क्योंकि नाइलोन है इसकी एकलक इकाइयों में, जो कितनी एकलक इकाइयां, दो, पहली वाली तो कौन सी होगी, हेक्सा मैथिलीन डायमीन, और दूसरी कौन सी होगी, ADP कमल। तो नाइलोन है इसकी दोनों एकलक इकाइयों में 6-6 कार्बन परमाणु उपस्थित होने के कारण ही इसे नाइलोन 6-6 बोला जाता है। देखिए दोस्तों काउंट कर सकते हो, पहले वाली एकलक इकाई कौन सी है, हेक्सा मैथिलीन डायमीन, कितने कार्बन परमाणु है, 6। दूसरी इकाई कौन सी है, एडीपी अम्ल, और एडीपी अम्ल में कितने कार्बन है, 4, तो यहां से होगी 5 और 6, तो दोनों में 6-6 कार्बन परमाणु उपस्थित होने के कारण ही नाइलोन को क्या बोला जाता है, नाइलोन 6-6 बोला जाता है। दूसरी बात, आपने इसको सहबहुलक क्यों बोला है, क्योंकि नाइलोन 6-6 में कितनी प्रकार की एकलक इकाई आई, दो प्रकार की एकलक इकाई उपस्थित है, तो ये किसका उदाहरण हो गया, सहबहुलक का उदाहरण हो गया। तीसरी बात, कौन सी बहुलीकरण प्रक्रिया के द्वारा इसका निर्माण होता है, संघनन बहुलीकरण प्रक्रिया के द्वारा। संघनन का मतलब क्या है कि यहां पर छोटे अणु का क्या होगा, विलोपन, और छोटा अणु कौन सा दोस्तों, H2O का, यहां पर क्या हो गया, विलोपन हो गया है। तो दोस्तों आज का वीडियो सेशन यहीं पर फिनिश करते, वीडियो में अगर कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, LCP केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू।